सोलर पैनल है। क्या बात और विंटर में तो अभी जैसे 0 डिग्री था टेम्परेचर रात में, तो सर्दियों में तो 30 डिग्री -30 डिग्री -40 डिग्री जाता होगा, 30 और 35 के बीच में, -30 35 के बीच में रहता है और पूरा बंद हो जाता है, पूरा बंद। फिर विंटर में क्या करते हैं? विंटर में तो काम तो नहीं है, काम भी बैठना। यहाँ से पदुम भी हम चादर में जाते हैं। ओके, ये जो रिवर है ज़ंस्कार रिवर ही नीचे, ये ज़ंस्कार रिवर है, तो ये भी चादर ही किराए की बोरी, ये पूरे चादर की। तो मतलब यहाँ से जाते हैं तो चादर ट्रेक करके ही पदुम पहुँचते हैं, पदुम से वापस ट्रेक करके लद्दाख पहुँचते हैं। लद्दाख यहाँ से पदुम तक हमको 2-3 दिन जाता है। ओके, वो पदुम से ही हमको पैदा करना था। 3-4 फिर वो कहाँ रहते हैं? नहीं वो जाके तो वहाँ बंद करते हैं। कहाँ ले मसूरी में है, मसूरी में पढ़ाई करते हैं सारे। अभी जो अंदर लाइट आ रही है ना, वो कहाँ सारी लाइट इससे तो ये कनेक्ट है कोई तार वार कहीं से, फिर कैसे आती है? नहीं, पानी तो गर्म हो जाएगा, ये तो समझ में आया, पर अंदर जो बल्ब लब चल रहे हैं वो कैसे चल रहे हैं? कोई तार वार कुछ नहीं है? फिर ऐसी डायरेक्ट लाइट से और सन से जा रही है। नहीं, अंदर लाइट से अंदर कैसे जा रही लाइट? अंदर बैटरी है, अंदर बैटरी है। अच्छा, तो भाई ये सीन है, सोलर पैनल से लाइट जाती है और अंदर बैटरी लगा के, जिससे कि अंदर की लाइटें चालू हो जाती है। स्टार्ट। ये आपका बाइक है? ये मेरा बाइक है, हाँ भाई। तो निकलते हैं फिर अपने पादुम के लिए। 55 किलोमीटर है और टाइम हो रहा है 5 बज रहे शाम के। तो हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे 3-4 बजे से मॉनेस्ट्री से यहाँ पे। तो अब निकलते हैं बाइक लेके। तो अभी टाइम हो रहा है 5-3 घंटे लगेंगे। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद। किधर रास्ता है? ओह शिट, एक मिनट, लॉक लगा रखा है। ये इसका लॉक। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, हल्का रहेगा, पीछे नहीं है। हाँ, थैंक यू आपको भी। तो भाई डिस्क ब्रेक पे लॉक लगा हुआ था, तो एक दिन उसे बाइक चलाती मैंने, क्योंकि आदत नहीं है लॉक की। चा विलेज से पादुम की ओर बढ़ते हुए ये लिखा हुआ है NREGA ब्लॉक लॉन्गलोग, ये 2021। कोई कुछ खेतों में से रोड निकलता हुआ, ये भाग के ना जाए भाई मेरे पास, देख तो ऐसी रही है। ये याक टाइप है शायद, याक ही है ये, जिस ट्रैकिंग पे हम लोग गए थे काफ़ी थकान हो गई थी वहाँ, तो भाई थोड़ा सा एक आध घंटे का रेस्ट लेके वापस 5 बज चुके, लेट तो हो ही गए पर देखते हैं 8 बजे तक पहुँच जाएंगे। 55 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का पैच सही है जहाँ पादुम पहुँचने से पहले का, बाकी का सारा ऑफ रोड है। फिर मिलता हूँ आपसे आगे। तो यार पादुम का रोड भी देख लो कैसा है, ये भी बिल्कुल ऑफ रोड है, टर्ट है एकदम बिल्कुल, इसमें बीच में तो बहुत ज़्यादा मिट्टी आई थी। और तो ये हम लोग जो घूम रहे ज़ंस्कार वैली में है, ज़ंस्कार वैली के लिए रूट बताई दिया आपको मैंने, किलोंग से डारचा, डारचा से 2 रूट करते हैं, एक तो बारलाचा पास होते हुए ले चल जाओ और एक ज़ंस्कार वैली के अंदर एंट्री कर जाओ सिंह कुला पास होते हुए। और यहाँ से भी लेह जा सकते हो, कारगिल जा सकते हो आप, लामायूरू जा सकते हो। तो आज पादुम में स्टे है, पादुम के बाद कल बताऊंगा कि कहाँ हमें निकलना है। तो पादुम में भी 1-2 मोनेस्ट्री और है, तो मोनेस्ट्री देखेंगे वहीं पर, वहाँ ट्रैकिंग नहीं है, वहाँ डायरेक्ट बाइक जाएगी वहाँ तक। और पानी दिख ही रहा है कितना एकदम ग्रीन पानी दिख रहा है, बिल्कुल ग्रीन। और देखो बिल्कुल सुनसान एकदम, बिल्कुल सुनसान, सिर्फ माउंटेन्स और उसके बीच में ये रोड और उसके बीच में हम बाइक राइड करते हुए। सही में अभी हुई है वो तो, उधर भी हो रही है गाड़ी है फिर। तो भाई सीन कुछ ऐसा है, आगे लैंडस्लाइड है तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा यहाँ, फिर निकलते हैं यहाँ से। नहीं यार वो कहाँ क्रेन का है, वही तो ये है क्रेन का है, क्रेन किराने में टाइम लगेगा, कोई थी नहीं आसपास तो मेरे दोस्तों। कहाँ से बंद है, कहाँ है बंद, तो पादुम रुक जाते छोड़े तो, अपन पादुम नहीं वही वहीं पे पूर्ण वो उसी में। तो जैसे ही रास्ता खुलता है हम लोग वापस पीछे जाते हैं, तो मैं करता हूँ अपडेट जैसे होता है। बाकी 5-7 किलोमीटर चले थे और लैंडस्लाइड हो गई, रोड बंद है, बाकी काफ़ी बाइकें खड़ी हैं यहाँ पे, सारे फंसे हुए हैं। तो रास्ता खुल चुका है, कम से कम 1 घंटा लग गया हमें वेट करते हुए यहाँ। और दिखा जाता हूँ, एक्चुअली लैंडस्लाइड नहीं हुई थी, इन्होंने कोई पहाड़ को ब्लास्ट किया था। तो इनका डेली काम है ब्लास्ट करने का, रास्ता क्लियर करते हैं फिर उसके बाद ट्रेन से। तो आप सब ऑल क्लियर, और अब 1 घंटा थोड़ा लेट हो गए, कोई नहीं 1 घंटा लेट पहुँच जाएंगे। तो ऑल क्लियर, निकलते फिर पादुम पहुँचते हैं। और 8 बज चुके हैं, तो आधा घंटा या 1.25 घंटा और लग सकता है। और ठंड पूरी तरह से है यहाँ पे, जोर शोरों से। तो जैसे पादुम पहुँचता हूँ फिर करते हैं बात। तो फाइनली 8:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं पादुम। तो पादुम का सीन ये था कि बीच रास्ते में जो मैंने जैसे बताया था कि लैंडस्लाइड हो गया था या विस्फोट, मतलब विस्फोट करते कुछ ऐसे करते, लैंडस्लाइड हुआ था एक्चुअल में। फिर जो पहाड़ टूट के गिरा था नीचे, उसको विस्फोट करते बम हम लगा के कुछ, तो 1-1.5 घंटा वहाँ ख़राब हो गया। और 8:30 बजे हम पहुँचे, तो 5-6-7-8 बजे तक हम पहुँच जाते, पर आधा घंटा हमें और लग गया था, कोई नहीं। और ये हमारा व्यू है रूम का जो भी हमने लिया है, ये पादुम में। और पदुम एक कस्बा है, बहुत अच्छा कस्बा है, मैंने पहली बार देखा है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कस्बा ये। और रूम भी बहुत अच्छा है, रूम मिला हमें करीब 1400 रुपीज़ में, तो ठीक है, बेस्ट है। दो सिंगल बेड है तो। और आज का तो यही था, बाकी ज़ंस्कार वैली चल रही है अभी तक, ज़ंस्कार वैली के व्लॉग, और जो पहले वाले व्लॉग देखे उनको भी बहुत प्यार दीजिए और आगे आने वालों को भी दीजिए। तो मिलते हैं बाद में आगे, कल कहाँ जा रहे हो वो कल नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा।